محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपको दाल माश बनाने का तरीका बताएंगे। उसके लिए हमने आज सुबह कोई 500 से 600 ग्राम के करीब छिलके वाली दाल जो माश है उसको भिगो दिया था पानी में, और उसको हमने 7-8 घंटे पानी में रखा ताकि वो नरम हो जाए और उसके ऊपर से छिलके उतारने आसान हो जाए हमारे लिए। अभी इस ये इंग्रेडिएंट्स बताने के बाद मैं दाल को धोऊंगा और उसके बाद फिर वापस आऊँगा। तो आज की जो हम रेसिपी है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं, हमने 1.5 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने मेथी लीव्स लिए हैं, 1 टीस्पून हमने वाइट ज़ीरा लिया है, हमने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर होल ली है, हमने 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, हमने 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, हमने 8 से 10 लौंग लिए हैं साबुत, इसके साथ हमने 2 छोटे साइज के प्याज काटे हैं और 2 छोटे साइज के टमाटर काटे हैं, और कुछ हमने कोरिएंडर चॉप्ड कोरिएंडर लिया है फ्रेश जो बाद में गार्निश के लिए काम आएगा, और हम गरम मसाला भी बाद में यूज़ करेंगे दाल को गार्निश करने के लिए, दाल में ऐड नहीं करेंगे। अब हम अपनी दाल को तैयार करेंगे, धोएंगे, आप देख लीजिएगा कैसे धोते हैं, उसके बाद हम दाल बनानी शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आवर दाल इज रेडी, इट इज वॉश्ड। नाउ आई विल ऐड दिस दाल इनटू द बॉइलिंग वाटर टू बॉइल इट। So we will boil the dal separately and we'll make the gravy for the dal in another pan. Here in the dal I will add 1/2 a teaspoon of haldi powder and 1/2 a teaspoon of salt, and I will let it cook for 15 to 20 minutes till it is soft and tender, and then we will do the next process. In 15 to 20 minutes I will be back with the other process. दाल हमने धो ली थी अपनी, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। अब इस दाल को हम बॉयल करेंगे। इस दाल में हमने 1/2 चम्मच हल्दी का डाला और 1/2 चम्मच नमक का डाला, और दाल के गलने तक हम इसको बॉईल करेंगे। पानी हमने इतना डाला है कि ये पानी दाल इसमें जज़ब हो जाए और खुश्क हो जाए दाल, ज़्यादा पानी नहीं डाला। आप देख रहे होंगे जब ये दाल गलेगी तो ये पानी अपने अंदर जज़ब कर लेगी, क्योंकि हमारा मकसद खुश्क दाल बनाना है, पानी वाली नहीं। वी आर 2 or 3 मिनट्स इनटू द बॉइलिंग प्रोसेस। 2-3 मिनट हो गए हमें बॉइलिंग प्रोसेस में, तो मेरा ख्याल है कि हमें 10 मिनट मज़ीद लगेंगे इसमें, और उसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे।
Friends, as you can see that our dal is almost ready. The water has dried. You can see, I can bring it closer to the focus. And I will put it aside. And our next process will start. In a pan, I will take approximately 1 cup of oil. And I will fry 2 onions. Actually, I forgot to mention in the ingredients that we will be using ginger paste as well, but at a certain stage, not right away this time. But after adding all the spices, we will add the ginger paste as well. Our onions are brown, and now I will add the tomatoes here. At the same time, I will add all the spices, red chilies, salt, coriander powder, turmeric powder, zeera, black pepper, लौंग और ये है हमारा जीरा पाउडर आई विल ऐड सम वाटर हियर जस्ट नॉट टू बर्न द स्पाइसेस एंड विल लीव द हीट ऑफ द ओवन ऑन एट फुल स्पीड Once this masala is ready, it is nicely cooked. At the same time, what I will do is, here I will grind my ginger. And we'll keep it ready. Add here. Ginger gives the dal जो है ginger जो है ये दाल को एक अच्छा flavor देता है. Actually, I was doing quite few videos in English. That's why my tongue slips and I start in English as well again. ये जो वीडियो थी ये इस इंटेंशन के साथ बना रहा था कि ये उर्दू में बनाऊंगा तो अगर कहीं इंग्लिश आ जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड तो ये जो है हमारा मसाला 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगा इसकी खुशबू से हमें पता लग जाएगा कि मसाला रेडी है तो फिर हम अपनी दाल इसमें मिक्स कर देंगे और दम लगा देंगे अगर मसाला इज़ रेडी And here I will add the dal into the masala. And mix it thoroughly. For some time and you will see the color and texture of dal looking beautiful a nice smell is coming and when you will eat it you will definitely say jab aap isko khayenge to aap kahenge ye dal nahi ye kamal hai as you can see our dal is dry and it's almost ready I will add here the dried methi leaves and mix. Then leave it at a low heat for another 5 to 6 minutes. जैसा कि आपने देखा हमारी दाल जो है ये रेडी है और इसमें हमने इस स्टेज पे आके ताकि फ्लेवर कायम रहे
मेथी जो है हमारी ड्राइड मेथी वो डाला है इसमें, और इसको हम अभी आंच पे ही रखेंगे, लो आंच पे कोई 3 से 4 मिनट, ताकि ये और अच्छी तरह गल जाए दाल। ये बिल्कुल रेडी है वैसे, सिर्फ इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए मैं इसको आग पे ही रखूँगा और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और हीट को हम बिल्कुल लो पे ले आएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी दाल जो है वो रेडी है, इसको अब मैं डिश आउट करूँगा और उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे। इसको सबसे पहले मैं जो गर्म मसाला बचा के रखा हुआ था वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रिंकल करेंगे। गर्म मसाला इस दाल को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। नॉर्मली मैं हर डिश में गर्म मसाला पसंद तो नहीं करता, लेकिन इस दाल में ख़ास तौर पर ये अच्छा लगता है। उसके बाद इसके ऊपर हम जो कटा हुआ धनिया था ग्रीन वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे अभी, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा भी डाला जा सकता है। ये हमारी दोस्तों दाल जो है वो रेडी है, आप देख सकते हैं इसको, और ये दाल बड़ी जल्दी रेडी हो जाती है। तकरीबन आधे घंटे का प्रोसेस होता है बॉइलिंग और बाकी सारा कुछ, सिर्फ भगोना है इसको जल्दी पड़ता है ताकि इसके छिलके उतर सके। तो अगर आपको ये दाल पसंद आए और हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार अच्छी और रसीली रेसिपीज़ मिलती रहें। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, ये दाल नहीं है, ये कमाल है। आप देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल ड्राई है। अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। صلى الله لا إله إلا الله